एवरी वन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये तीन डेक मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, अभी इस वक्त आपसे वो क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन, और इससे हम देखेंगे आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सो शुरू करते हैं गाइस, आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। फर्स्ट कार्ड इज़ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन की जो साइन होगी वो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकती है। आपके पर्सन मटेरियल थिंग्स के पीछे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली अगर ये किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं तो वो एक इनके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। फिलहाल अभी किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन की जो एनर्जी है उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं। अगेन वी हैव कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद फायर एनर्जी, एरीज लियो सेजिटेरियस फोर ऑफ स्पेल्स। आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं कि जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी तो ये अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं आपको, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को शादी तक ले जा सकते हैं, कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली अच्छे घर से बिलोंग करते हैं या स्टेबल हैं तो भी ये प्लान कर रहे हैं मैरिज। मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी में आने की एनर्जी में हैं और इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो अगेन वी हैव द एम्परर एनर्जी। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हैं, स्पेशली कास्ट अलग है या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या आप कोई एक है जो अच्छे स्टैंडर्ड से है, एक है जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, या स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं, तो आपके पर्सन इन सिचुएशंस को लेकर बहुत डीपली सोच रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। पेरेंट्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई अथॉरिटी फिगर है, चाहे मेल फीमेल कोई भी अथॉरिटी फिगर है जिसका डिसीजन मान्य होता है आपके पर्सन के लिए, तो वो उनसे भी इस बारे में डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि मैं कैसे प्रैक्टिकली जाकर बात करूँगा या करूँगी, कैसे इन चीज़ों को मैं डिफेंड करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो कैसे ये चीज़ों से मैं बाहर निकलूँगा। तो इस तरह की जो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है वो इंडिकेट कर रही है कि काफ़ी लोगों के पर्सन कुछ डिसीजंस लेना तो चाहते हैं, प्लान भी कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उनको पता है कि किस तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको लेकर थोड़ा सा फियर है। नेक्स्ट वी हैव गॉट टू कार्ड्स अगेन। वी हैव मून विद द टावर। इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं या गुजर रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की मदर की हेल्थ बहुत ख़राब हो, या ग्रैंड मदर की, या मैटरनल मदर की। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल एनर्जी के इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं। तो या तो उनके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती आप दोनों का रिश्ता हो या सक्सेसफुली आगे बढ़े, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके घर में किसी की इमोशनली कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनके लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं। कोई फीमेल एनर्जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है। तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ट्रॉमा से गुजरे हैं रिसेंटली या गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं,
ये भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में निकल कर आया है। गाइस सारे मैसेज सबके लिए नहीं है, जिसके लिए जो मैसेजेस होंगे वो उस तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो भी आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रही हूँ। देन अगेन दो कार्ड है हमारे पास, वी हैव जजमेंट विद एस ऑफ बोन्स। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इन सब सिचुएशन से, इमोशनल टॉर्चर से या किसी तरह के मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है। अगर इनको किसी का इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम ये कर लेंगे, या तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, या किसी भी तरह का अगर इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो आपके पर्सन जजमेंट, कोई डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर वो डिसीजन लेंगे जो इनका दिल कहेगा, जो इनका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। प्लस ये रिंग आपको दिख रहा है, ये एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाने की एनर्जी है। तो यहाँ पर इनको बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, बट आपके पर्सन उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल कर सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ चैलेंजेस। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी आज के दिन में आपके पर्सन का हो सकता है, स्पेशली विद थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के चक्कर में बात बढ़ सकती है। तो ये मॉर्निंग एनर्जी में भी आया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या है अभी इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज मेरी, कोई पुराने से पुराने वीडियो भी अगर आपके सामने पॉपअप होती है तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली, मतलब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड इज़ हैप्पी फैमिली। मीन्स ये अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहती हैं या होना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं और ये अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये खुश रहना चाहते हैं और वो भी आपके साथ, अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं आपके साथ, ये करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। देन वी हैव मजिशियन एंड द मिरर। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, 24/7 हो सकता है इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हैं, आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो तो इन तक वो एनर्जी पहुंचती है और आपको इनका मैसेज भी मिलता होगा टेलीपैथिकली। आपको भी कोई सडन, कोई साइंस, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई सडन, कोई एक सॉन्ग जो कि इन्होंने आपको डेडिकेट किया था या आपने इनको डेडिकेट किया था, कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड जो कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में है लव, रोमांटिक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी इमोशंस को। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को कॉल्स रिसीव हों बहुत जल्द। नेक्स्ट वी हैव डोर टू स्पिरिट। तो आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है और आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है और इनको डिवाइन की तरफ से भी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है। यहाँ पर हो सकता है कि ड्रीम्स में भी आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपको देख रहे हों या आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हों। यस, नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट जर्नी। तो आपके पर्सन, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो एक साथ ही आगे बढ़ेगा, मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड है। प्लस आपके साथ कुछ ना कुछ डिवाइन जर्नी हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। लास्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर इन्हें भी ये पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं।
करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग या तो बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका है या होने वाला है। जिसका नहीं हुआ है सब्र रखें, बहुत जल्द आपके पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। देखते हैं उनका मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। विल टेक रैंडमली फोर कार्ड्स। आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, फर्स्ट जो मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए है वो है रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, स्पेशली आपके साथ जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, ये उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इन्होंने ये भी नोटिस किया है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो, अब आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो फॉर लव, और ये चीज़ें इन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। ये भी मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। गेट टू नो ईच अदर, आपके पर्सन आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं, काफ़ी हद तक जानते हैं बट और अच्छे से जानना चाहते हैं। ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन से फ्रेंड आपके क्लोज हैं, कौन से आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके बारे में सब डिटेल्स जानना चाहते हैं, मतलब एक तरह से पूरी इंक्वायरी करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज है नथिंग टू वरी अबाउट। ये आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हैं, तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है हम मिल बैठ कर सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम दोनों साथ हैं तो क्या टेंशन है, किसी भी बात का टेंशन मत लें, स्ट्रेस मत लें। तो ये मैसेजेस गाइज आपके लिए निकल कर आए हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कलेक्टिव लेवल पे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या कॉल मैसेज आएगी, क्या रीयूनियन होगा, स्पेशली जिनका नो कांटेक्ट है। वाह, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही कार्ड आ गया स्पिरिचुअल यूनियन का। तो यहाँ पर टू नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों का 2 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों का विद इन 2 डेज रीयूनियन होगा गाइस। और ये कार्ड बोलते ही आया है तो ये 100% होगा, ये हो के रहेगा। तो काफ़ी लोगों के लाइफ में यूनियन होगी, मैसिव यूनियन होगी, और लव बर्ड्स जितने भी हैं चाहे मैरिड हों अनमैरिड हों पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी उदास ना रहें आज के दिन में। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने जो सब्र रखा है उसका रिजल्ट, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरीज ऑफ लव विद द वेटिंग गेम। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आपके पर्सन को और आपके पर्सन भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग गेम जो है ये आप दोनों के बीच में चल रहा है, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको कितना मिस कर रहे हैं, ये सब आपको बता देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Swords। हो सकता है कि बहुत मुश्किल हालात से निकल रहे हों आपके पर्सन या बहुत मुश्किल हालात में हों, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपसे सब कुछ बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे और आप दोनों मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। ये आपके पर्सन का मैसेज है इस नेक्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्पिरिचुअल यूनियन का मैसेज क्या बताना चाहता है। बहुत सारे लोगों के बीच में हारमोनी क्रिएट होगी, इमोशनल जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो दूर होगी। आपके पर्सन अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है गाइस, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। तो एक ही कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना था क्योंकि बाकी कार्ड तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, और इसे मुझे क्लैरिफाई करना था कि यूनियन होगा ना, तो ये मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर लिया है। सो 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 डेज
ये चीज़ें होंगी, और होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन के बाद एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं, बातचीत हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन करें। और जिन्हें मैसेजेस नहीं आए हैं उनके आएंगे, बीच का रास्ता निकलेगा, काफ़ी लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में सुधार होगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको एंजल्स पर, यूनिवर्स पर बिलीव है तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। फोगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ करें, रिलीज़ करें, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें। किस में? रोमांटिक लाइफ में। और वेट करें पॉजिटिवली, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं बहुत जल्द, एंड इट्स अ येस कार्ड। तो आपके लाइफ में 100% हैप्पीनेस आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें, और आने वाले समय में रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।